क्या अनिल विज से गृह विभाग छीन सकता है? इस प्रकार की अटकलों का बाजार राजनीतिक खेमों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी तजुर्बेकारों का मानना है ये अटकलें बेवजह इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच बढ़ रही निरंतर खाई से प्रशासनिक साख पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि सीआईडी का मुद्दा अभी सुलझा भी नहीं था कि सीआईडी के फोन टैपिंग के मुद्दे ने गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। ज्ञात हुआ है कि गृह मंत्री अनिल विज ने सीआईडी प्रमुख से वह रिपोर्ट तलब की थी जो विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की स्थिति के आधार पर तय की गई थी। बहरहाल रिपोर्ट मिलने के बाद एक दूसरा धमाका करते हुए अनिल विज ने उन लोगों की सूची पर तलब कर ली जिनके फोन टेप किए जाते रहे हैं। उधर अनिल विज द्वारा रिपोर्ट मांगने से सरकार में हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि विरोधी दलों को भी भाजपा जसपा गठबंधन पर सियासी हमले करने का मौका मिल गया है। जाहिर तौर पर हो रही किरकिरी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कमजोर और लाचार नजर आ रहे हैं, जिसका असर मुख्यमंत्री के शासकीय व प्रबंधकीय पकड़ पर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज की हठधर्मी इस सारे संकट का सबब बनी हुई है, बल्कि विरोधी दलों को भी भाजपा जसपा गठबंधन पर हमले करने का मौका मिल गया है। जाहिर है गठबंधन से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्थिति नित रोज हास्यास्पद बनी हुई है। ऐसे में इस बात के आसार बढ़ते जा रहे हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही इस विवाद में हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि भाजपा प्रभारी अनिल जैन गृह मंत्री अनिल विज से मिलकर एक प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद विज एक बार फिर से अपने तेवरों में आ गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रिय हैं। ऐसे में संभव है कि भाजपा को इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए अनिल विज से गृह विभाग वापिस ले लिया जाए, क्योंकि ना तो अनिल विज गृह मंत्री रहेंगे और ना ही मनोहर सरकार की बांसुरी बजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।